नमस्कार। हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम के बारे में। आप जानते हैं, ये जो लेक्चर है, ये इस लेक्चर का पार्ट वन है, और पार्ट वन जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है। अब इस टॉपिक का जो पार्ट टू का जो लेक्चर है, पार्ट टू का लेक्चर जो है वो एंड्रॉयड ऐप पे है। ये जो है, ये एंड्रॉयड ऐप का नाम है, ठीक है। और एंड्रॉयड ऐप पे जो स्टोर है, स्टोर में फोल्डर नंबर वन है जिसका नाम है जिनेटिक्स, जिसमें ये पार्ट टू का लेक्चर मैंने अपलोड किया है। तो पार्ट वन पार्ट टू दोनों जो लेक्चर हैं वो स्टोर फोल्डर नंबर वन जिनेटिक्स, उसमें ये मौजूद है। चलिए, अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो पार्ट टू का जो लेक्चर है उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है वो तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पार्ट टू के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या रहेंगे, तो देखिए, नेम ऑफ द इंसेक्ट स्पीसीज इन विच हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन इज स्टडीड, ठीक है। इंसेक्ट यानी कि जो कीटक है, कीटक की कौन सी स्पीसीज यानी कौन सी जो जाति है जिसमें हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन जो है इसका वैज्ञानिकों ने अभ्यास किया, उस स्पीसीज का नाम क्या है। ऑल्सो द नेम ऑफ द जीनेटिसिस्ट ऑफ हु स्टडीड इट, तो जो जीनेटिसिस्ट यानी कि जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस मैकेनिज्म का जो अभ्यास किया, वो कौन सी जो इंसेक्ट स्पीसीज है और कौन से साल में। फिर देखिए, नेम ऑफ द मॉडल विच स्टडीज हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम, है ना, उस मॉडल का नाम क्या है। हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम जो है, उस मॉडल जिसमें इस सिस्टम का स्टडी किया जाता है, उस मॉडल का नाम क्या है। फिर ये जो मॉडल है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हाउ फीमेल एंड मेल्स आर डेवलप, है ना, फीमेल यानी कि जो मादा और जो नर है इनका विकास किस तरह से होता है इस मॉडल के अनुसार, यानी कि हिट्रोजाइगट कौन हिट्रोजाइगट है, मेल फीमेल में कौन हिट्रोजाइगट है, कौन होमोजाइगट है, कौन हेमीजाइगट है। फिर जो एलील्स हैं, ठीक है, मेल फीमेल में जो एलील हैं वो किस तरह से हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद एक फिगर जो है वो इंक्लूड किया है यहाँ पे, तो जो फिगर जो है वो क्या है, हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म इन द वास्प। अब ये जो वास्प है इसका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये कौन सी वास्प है, है ना, अकॉर्डिंग टू, फिर अगेन ब्लैंक, यानी कि यहाँ पे साइंटिस्ट है ना, वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस वास्प जो है, पर्टिकुलर वास्प स्पीसीज जो है, इसमें ये सेक्स डिटरमिनेशन का अभ्यास किया, तो उसका एक फिगर जो है वो मैंने इंक्लूड किया है। फिर अब देखिए, फिर ये जो है इन सीएसडी मॉडल, है ना, एक मिनट, देखिए, इन सीएसडी मॉडल हाउ मेनी एलील आर प्रेजेंट एंड नेम ऑफ द एलील। सीएसडी जो मॉडल है, सीएसडी का फुल फॉर्म क्या है, पहली बात तो ये, सीएसडी जो मॉडल है इसमें कितने एलील प्रेजेंट है और इन एलील्स का नाम क्या है। फिर जीनोटाइप्स ऑफ नॉर्मल फीमेल, है ना, ये जो फिगर है इसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जो फीमेल है इसका, फीमेल्स का नॉर्मल जो फीमेल उनका जीनोटाइप क्या होता है, स्टेराइल यानी कि जो वंध्य है, वंध्य यानी कि जो रिप्रोडक्शन में जो प्रजनन नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, अपनी जो ऑफस्प्रिंग या तो प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते, उनको हम स्टेराइल कहते हैं। तो जो ऐसे वंध्य जो मेल होते हैं इनका जीनोटाइप क्या होता है, और फिर फर्टाइल मेल यानी कि जो फर्द्रूप है, ठीक है, तो ऐसे जो मेल है इनका जीनोटाइप क्या होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, जो हनी बी जो है, ठीक है, हनी बी
in the honeybee to study the sex determination mechanism, which gene is cloned and sequenced? हनीबी में हमने हम जो अभी हनीबी में जो सेक्स डिटरमिनेशन जो है जिसका हम डिस्कशन करेंगे, तो हनीबी जो है हनीबी में सेक्स डिटरमिनेशन का अभ्यास करने के लिए कौन सा जीन है जिसका अभी क्लोनिंग हुआ है और उस जीन का सीक्वेंसिंग भी हुआ है, वो जीन का नाम क्या है? फिर इन विच हाइमेनोप्टेरन स्पीसीज, ठीक है, सीएसडी मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन सेक्स डिटरमिनेशन, है ना? तो हाइमेनोप्टेरन की कौन सी स्पीसीज है जिसमें सीएसडी मॉडल जो है वो सेक्स डिटरमिनेशन को एक्सप्लेन नहीं करता? फिर इसके बाद फिगर जो है वो मैंने इंक्लूड करी है, क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये जो फिगर है इसमें आप देखोगे क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग अ ट्रिपलॉइड लाइन ऑफ द स्मॉल पैरासाइटिक वास्प। तो ये जो वास्प है उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने। टू इलस्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ हैप्लोइड सेक्स डिटरमिनेशन इन दिस इंसेक्ट, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें यहाँ पे आपको ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n फीमेल जो है, 3n फीमेल आपको इंसेक्ट की बताई है, और ये जो 3n फीमेल है इसमें से ये 3n फीमेल जो है इसमें से किस प्रकार से डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड मेल और डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड फीमेल जो है ना वो प्रोड्यूस होता है, वो इसके रिगार्डिंग ये जो फिगर है वो है आपको तो ये जो है ये फिगर है इसमें ये भी मैंने इंक्लूड करी है यहाँ पे, ठीक है। फिर तो यहाँ पे जो हैप्लॉयड हैप्लॉयड डिप्लॉयड, ठीक है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड, देखिए मैं लिख देता हूँ हैप्लॉयड डिप्लॉयड किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और फिर डिप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड, ठीक है। तो इनमें से ये जो ट्रिप्लॉयड फीमेल है इनमें से किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है इस ट्रिप्लॉयड फीमेल का, तो जिससे जो मेल है और फीमेल है जो प्रोड्यूस होती हैं इस प्रकार की, तो वो क्या होती हैं, है ना, किस तरह से होता है ये। फिर देखिए जो ट्रिप्लॉयड जो फीमेल है यानी कि 3n जो फीमेल है, ठीक है, उसमें से वो किस प्रकार के एग जो है उनको ले करती हैं जो फीमेल है, जो मादा जो है इंसेक्ट, तो उसके जो अंडे हैं वो किस प्रकार के होते हैं, है ना। फिर हाउ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड मेल आर प्रोड्यूस, हैप्लॉयड डिप्लॉयड मेल जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है हाउ डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड फीमेल आर प्रोड्यूस, है ना, मैंने जो फिगर में आपको बात कही तो आप देख सकते हैं हैप्लॉयड डिप्लॉयड मेल किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड फीमेल जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। फिर देखिए इसके बाद व्हाट इज वेयर इज पैटर्नल एंड मैटर्नल क्रोमोसोम सेट्स आर प्रेजेंट, मैटर्नल और पैटर्नल क्रोमोसोम का जो सेट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ जीनेटिक इम्प्रिंटिंग इन दिस इंसेक्ट, तो ये जो इंसेक्ट है इसमें जीनेटिक इम्प्रिंटिंग जो है उसका रोल क्या है। फिर देखिए आगे फिर एक फिगर इंक्लूड करिए, तो ये जो फिगर है इसमें क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए नाम आपको लिखा है ना, देखिए टू हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म है, दो है यहाँ पे, एक है अरहेनो टॉकी और दूसरा जो है सूडो अरहेनो टॉकी। तो ये दोनों जो मैकेनिज्म है वो क्या है, और ये जो दोनों जो मैकेनिज्म हैं इनमें किस तरह से मेल और फीमेल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में व्हाट इज पीजीएल, पीजीएल का फुल फॉर्म क्या है, पीजीएल क्या होता है। अच्छा इसके बाद अब देखिए ये जो है रिड्यूस डीएनए कंटेंट ऑफ द मेल न्यूक्लियाई कंपेयर टू द फीमेल इन अ हैप्लोडिप्लॉयड सिस्टम। तो मेल का जो न्यूक्लियाई है उसमें आप देखिए डीएनए जो कंटेंट है वो कम हो जाता है, और ये कम जो डीएनए है इज ऑब्जर्व इन दी डैश टिश्यू, कौन सी ऐसी टिश्यू है इंसेक्ट की जिसमें ये डीएनए कंटेंट जो है आप कम पाते हो फीमेल की कंपेरिजन में, है ना, विच मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और ये जो रिड्यूस डीएनए कंटेंट है
तो उसका कारण क्या है ना। चलिए अब देखिए, हनी बी जो है, सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी जो है, इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो तो आप देखोगे, तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद का जो डिस्कशन है वो है। तो देखिए यहाँ पे दी हैप्लोडिप्लोइड नेचर ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन जो है इज प्रेजेंट इन विच स्पीसीज ऑफ हनी बी। हनी बी जो है उसकी कौन सी स्पीसीज में जो सेक्स डिटरमिनेशन है हैप्लोडिप्लोइड, इसका अभ्यास किया गया। साइंटिस्ट जो है इन्होंने कौन सी स्पीसीज में इसका अभ्यास किया है ना, हनी बी की। फिर ये देखिए, मेल्स आर डेवलप, हनी बी जो है, हनी बी में मेल्स जो है उनका डेवलपमेंट किसमें से होता है, अनफर्टिलाइज एग में से। फीमेल्स आर डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज एग। तो ये जो बात है ये किसने डिस्कवर करी, यानी कि कौन से साइंटिस्ट ने, है ना। द नेम ऑफ द जीनेटिसिस्ट, ये जो जीनेटिसिस्ट है जिन्होंने ये बात डिस्कवर करी कि भाई मेल जो है ना आर डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग एंड फीमेल जो है वो डेवलप होती है फर्टिलाइज एग में से। कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने ये फाइंड आउट किया, एंड द ईयर 18, है ना। तो आप देख सकते हैं वो जो वैज्ञानिक है इन्होंने ये जो डिस्कवरी करी वो 18, फिर मैंने डेज लिखा है ना। तो आप देखिए यानी अभी 2020 है और ये जो बात है ये कम से कम 180 इयर्स के पहले की बात है। तो ये पर्टिकुलर जो ईयर है वो भी आपको पता चलेगा, है ना। और जो जेनेटिसिस है उसका भी नाम मैंने इंक्लूड किया है। अब देखिए फिर ये जो है हनी बी जो है, हनी बी जो है इसमें डिप्लॉयड मेल जो है, हनी बी में डिप्लॉयड मेल जो है वो किस तरह से, हनी बी में डिप्लॉयड मेल कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में प्रेजेंस ऑफ डिप्लॉयड मेल्स, हनी बी जो है, हनी बी का जो छत्ता होता है, ठीक है, बी हाइव या तो मधपूड़ा बोलिए आप, तो बी हाइव जो है या तो मधुमक्खी का जो छत्ता है या तो मधुमक्खी का जो मधपूड़ा है, इसमें डिप्लॉयड मेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो डिप्लॉयड मेल का जो प्रेजेंस है वो क्या बताता है, सजेस्ट दैट नाइदर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नॉर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ब्रैकेट लिखा है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, है ना, ऑफ एग्स प्रोवाइड द प्राइमरी सिग्नल फॉर जेंडर डिटरमिनेशन इन हनी बी। तो ये जो बात है डिप्लॉयड मेल की प्रेजेंस है और फर्टिलाइजेशन, ना तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ना तो क्रोमोसोम के नंबर हैप्लॉयड या तो डिप्लॉयड कंडीशन में, ठीक है। तो ये जो बातें हैं क्रोमोसोम की नंबर भी नहीं, ठीक है, क्रोमोसोम के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं, क्रोमोसोम के नंबर भी नहीं, तो जेंडर डिटरमिनेशन जो होता है हनी बी में, तो ये जो बात है ये कौन से साइंटिस्ट ने ये हमको बताया और कौन सी साल में। फिर उसके बाद में, हु प्रपोज द सी एस डी हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज सी एस डी हाइपोथेसिस। सी एस डी हाइपोथेसिस जो है वो किसने प्रपोज किया, सी एस डी हाइपोथेसिस, और सी एस डी हाइपोथेसिस जो है वो क्या होता है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज जो है इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हाउ मेनी एलील्स आर इन्वॉल्व। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कितने एलील इन्वॉल्व हैं, यानी एलील की संख्या कितनी है। दिस एलील्स आर प्रेजेंट ऑन हाउ मेनी लोकस, ये जो एलील है वो कितने लोकस पे प्रेजेंट है, एंड ऑन विच क्रोमोसोम, और ये जो एलील है वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। फिर इसके बाद नेम ऑफ द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ठीक है, हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उस जीन का नाम क्या है। फिर नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस जीन, हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो जीन है रिस्पॉन्सिबल, तो उस जीन की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की,
उस साइंटिस्ट का नाम क्या था और कौन से साल में ये डिस्कवरी हुई। फिर दिस जीन यानी कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो जीन है इन डेस सुपर फैमिलीज ऑफ हाइमेनोप्टेरा। ये वाला जो जीन है जो हनीबी में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जीन कितनी सुपर फैमिली हाइमेनोप्टेरा जो है यानी कि जो इंसेक्ट की जो अलग अलग जो स्पीसीज हैं सुपर फैमिलीज जो हैं इनमें कितनी सुपर फैमिलीज में ये जीन प्रेजेंट है ये बात कौन से साइंटिस्ट ने कौन से साल में हमको बताई। फिर सेक्स डिटरमाइनिंग जो जीन है एनकोड्स विच प्रोटीन। हनीबी में सेक्स डिटरमिनेशन जिस जीन से होता है उससे कौन सा प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन का नाम क्या है। फिर ये जो प्रोटीन बनता है उसमें कौन से एमिनो एसिड की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है। द प्रोटीन इज रिच इन विच एमिनो एसिड है ना। फिर इसके बाद में फिर देखिए रिलेशन ऑफ जीन एक यहाँ पे जो लिखा है इसको थोड़ा नीचे लाते हैं एक ही मिनट। यहाँ पे जो लिखा है एक तो ये है अब ये देखिए रिलेशन ऑफ जीन टू मेल एंड फीमेल डेवलपमेंट। ठीक है तो यहाँ पे आप देखिए रिलेशन ऑफ जीन टू मेल एंड फीमेल डेवलपमेंट है ना। ये जो जीन है उसका रोल क्या होता है मेल और फीमेल डेवलपमेंट में है ना और कौन से साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि भाई ये जो जीन है इसका ये रोल है मेल और फीमेल के डेवलपमेंट में और उसका साल कौन सा था। फिर सेक्स डिटरमाइनिंग जीन टारगेट विद जीन हनीबी में सेक्स डिटरमिनेशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से दूसरे जीन को टारगेट करता है उस दूसरे जीन का नाम क्या है। ठीक है फिर व्हाट इज द रोल ऑफ टारगेट जीन वो जो टारगेट जीन है उसका नाम क्या है उसका रोल क्या है मेल और फीमेल में एंड वर्जन ऑफ जीन प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल। फिर वो जो जीन है वो किस तरह से मेल और फीमेल में प्रेजेंट होता है और ये जो डिस्कवरी हुई कौन से साइंटिस्ट ने किया ये डिस्कवरी और कौन से साल में। तो देखिए पार्ट टू का जो लेक्चर है मैं किस तरह से डिलीवर करने वाला हूँ ठीक है और मैंने पार्ट टू का लेक्चर लेने के लिए डिलीवर करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं क्या फिगर्स इंक्लूड किए हैं सारी जो बातें हैं मैंने आपको बताई। ठीक है और जब भी मैं यूट्यूब पे आता हूँ तो उसका मतलब होता है कि जब पार्ट वन पार्ट टू जो है लेक्चर दोनों जो लेक्चर हैं वो ऐप पे जब अपलोड हो जाते हैं तभी मैं यूट्यूब पे आता हूँ। तो ये जो लेक्चर हैं मौजूद हैं वो जो फोल्डर मैंने बताया आपको और अब जो है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब ये जो लेक्चर है इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज का जो विषय है ये जो लेक्चर है तो जो शीर्षक है वो है हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम। अब देखिए हाइमेनोप्टेरन्स फिर थायसेनोप्टेरन्स हाइमेनोप्टेरन्स थायसेनोप्टेरन्स एंड सम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अदर एनिमल ग्रुप और दूसरे जो प्राणी हैं इनमें हैप्लोइड मेल डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स प्रोड्यूस्ड बाय डिप्लॉयड फीमेल। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यानी ये जो है इंसेक्ट जो स्पीसीज है ना ये सारी जो है ये इंसेक्ट स्पीसीज होती हैं कीटक जो है उनकी ये जातियां होती हैं अलग अलग कीटक की वेराइटी है ये और इनमें आप देखिए कि जो फीमेल है वो फीमेल कैसी है डिप्लॉयड होती है और फीमेल क्या करती है फीमेल में से जो अनफर्टिलाइज एग जो प्रोड्यूस होते हैं उनमें से हैप्लॉयड मेल जो है उनका विकास होता है
और तो ये जो प्रक्रिया है, तो आप देखें कि भाई फीमेल जो है वो डिप्लॉयड है और अनफर्टिलाइज एग में से हैप्लॉयड मेल डेवलप होते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है, ये पार्थेनोजेनेसिस जो है इसका एक स्वरूप है, और ये जो प्रक्रिया है इसको हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस या तो अरहेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, अरहेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, सबसे पहले तो हैप्लो डिप्लॉयड जो सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम है वो किस में देखने को मिलता है, तो हमने बात करी ये, फिर ये है ना, और फिर दूसरे जो एनिमल ग्रुप है इनमें है ना, और इनमें क्या होता है, जो डिप्लॉयड जो फीमेल है उनमें से अनफर्टिलाइज एग जो है तो वो जो है उनमें से हैप्लॉयड मेल जो है वो बनते हैं। और ये जो प्रक्रिया है इसको क्या किया जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस या तो अरहेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए, दिस रिप्रोडक्टिव मोड विच इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स, तो ये हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम है ये वनस्पतियों में नहीं पाया जाता, इज एसोसिएटेड विद अ पिक्यूलर सिस्टम ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, तो द हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है लिंग निश्चयन की ये जो पद्धति है ये वनस्पतियों में नहीं पाई जाती, और इसको क्या कहते हैं, ये जो सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम जो है इसको हम हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम कहते हैं। तो इन शॉर्ट, डिप्लॉयड फीमेल जो है वो क्या करती है, अनफर्टिलाइज एग जो है उसके उसमें से हैप्लॉयड मेल डेवलप होता है ना इस सिस्टम में। चलिए आप देखिए, डिफरेंट प्लॉयडी लेवल बिटवीन टू सेक्सेस, यानी जो नर और मादा जो है इनके बीच में जो प्लॉयडी का जो स्तर है ना, प्लॉयडी हम जानते हैं, प्लॉयडी का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा क्रोमोसोम के सेट होना, वो जो परिस्थिति है उसको क्या कहते हैं, हम प्लॉयडी लेवल कहते हैं। अब देखिए, फीमेल्स आर डिप्लॉयड, फीमेल जो है वो कैसी होती है, उनके पास क्रोमोसोम के कितने सेट होते हैं, दो सेट होते हैं, तो फीमेल जो है वो डिप्लॉयड होती है। मेल्स जो है हैप्लॉयड, यानी जो नर हैं उनके पास क्रोमोसोम का एक ही सेट होता है, मेल्स जो हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, एक ही क्रोमोसोम का सेट है उनके पास। अब देखिए, द नंबर ऑफ मेल इन अ पॉपुलेशन देयरफॉर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनफर्टिलाइज एग, तो इनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी जो आबादी है ना हाइमनोप्टेरेंस में, तो मेल की संख्या जो है, मेल की जो संख्या है, नर की संख्या कितनी रहेगी पॉपुलेशन में, वो किसके ऊपर आधारित है, अनफर्टिलाइज एग जो है वो कितने हैं उसके ऊपर नर की जो संख्या है ना, या तो हम दूसरी दूसरे शब्दों में कहें कि भाई जो फीमेल है, फीमेल कितने अनफर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करेगी उस हिसाब से हैप्लोइड मेल जो है उनका विकास होगा। देखिए, अब देखिए, मेल्स प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पर्म थ्रू टाइप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस दैट डज नॉट इन्वॉल्व अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब डिस्पाइट डिफरेंट साइटोलॉजिकल डिटेल, द प्रोसेस एक्चुअली करस्पॉन्ड टू अ माइटोसिस, तो वाइट 1973। अब देखिए, ये जो हाइमेनोप्टेरेंस जो है इनमें किस तरह से जो मेल डेवलप होता है, तो देखिए ये जो है, चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं, ये चलिए ये हैप्लॉयड मेल है, ये जो है ये मान लीजिए ये हैप्लॉयड मेल है जिसके पास क्रोमोसोम का एक ही सेट है। अब ये वाला जो है इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये जो नर है इसमें ये नर जो है सेल डिवीजन कौन सा करेगा, माइटोसिस प्रकार का, ठीक है। तो माइटोसिस में तो क्या होगा, अब देखिए माइटोसिस प्रकार का जो सेल डिवीजन है इसमें तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम ही रहते हैं, तो अब ये जो है इन ये भी ये जो है ये क्या बना, ठीक है, तो इसमें से जो बने है ना, तो इसमें से माइटोसिस से जो नए सेल बनेंगे उन्हीं में से फिर क्या हो जाएगा, तो ये जो है इसके जो स्पर्म होंगे, ठीक है, तो ये देखिए आप,
है ना, यहाँ पे आपको जो बताया, तो जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो नर जो है वो जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है वो माइटोसिस से कर रहा है, और उसमें तो क्रोमोसोम का एक ही सेट है। तो यहाँ पे जो लिखा है मेल प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पर्म थ्रू अ प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस डज नॉट इन्वॉल्व रिडक्शन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर जो है वो आधे नहीं होते। इंसानों में हम बात करें, ह्यूमंस में अगर हम बात करें, तो मैन जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो 46 के 23 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे क्रोमोसोम के जो नंबर है ना, स्पर्म प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें माइटोसिस हो रहा है, और स्पर्म में जो क्रोमोसोम के नंबर है वो तो सेम रहते हैं, है ना। यानी जो रिडक्शन जो है क्रोमोसोम में वो होता नहीं है। और ये जो बात है, ये कौन से वैज्ञानिक ने बात कही है, ये किसने ये प्रूव किया है, तो ये देखिए वाइट 1973, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दी हैप्लोइड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम मे सीम एक्सट्रीमली सिंपल। अब ये जो हैप्लोइड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम जो है, ये हमको बहुत ही आसान लगता है, बट दिस एपरेंट सिंप्लिसिटी एक्चुअली हाइड डिफिकल्टी एट द लेवल ऑफ जीनेटिक मैकेनिज्म दैट इम्प्लांट इट। तो देखने में जो हैप्लोडिप्लोइड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम जो है, ये हमको बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसमें जो जीनेटिक मैकेनिज्म है वो काफी डिफिकल्ट है ना, काफी मुश्किल होती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसमें जो जीनेटिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है वो। अब देखिए, हाउ इज इट पॉसिबल दैट टू कॉपीज ऑफ द सेम जीनोम डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू फीमेल व्हाइल अ सिंगल कॉपी ऑफ द सेम जीनोम डिटरमाइन द डेवलपमेंट इनटू मेल। तो यहाँ पे आप देखें कि भाई ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम एन लिख देते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो में हम एन एक ही क्रोमोसोम का सेट है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एन एन, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियो है और यहाँ पे सारे जो सेल हैं, तो इनमें से फीमेल प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पे जो है क्रोमोसोम का एक ही सेट है, तो इसमें से हैप्लोइड मेल डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि भाई जो क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम तो मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे ही है, ठीक है। इसके अलावा जो जीनेटिक मेकअप है, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो भी दोनों में बराबर बराबर है। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है, ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है कि भाई एक ही सेट है क्रोमोसोम का तो मेल डेवलप होता है, और क्रोमोसोम के दो सेट है तो फीमेल डेवलप होती है, ठीक है। तो देखिए कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट टू कॉपी ऑफ द सेम जीनोम, यहाँ पे जीनोम की दो कॉपी है, यहाँ पे जीनोम की एक ही कॉपी है, फिर भी यहाँ पे फीमेल डेवलप हो रही है, यहाँ पे मेल डेवलप हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है ना। तो देखिए, नो नो जीन प्रेजेंट इन वन सेक्स इज लैकिंग इन अनदर, और दोनों में, मेल में और फीमेल में, ठीक है, दोनों में जीन जो है, मेल में जो जीन है वो सारे जीन फीमेल में भी है ना। एंड द रेशियो बिटवीन द जीन इन्वॉल्व इन सेक्स डिटरमिनेशन एंड अदर जीन इज द सेम इन बोथ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड कंडीशन, ठीक है। और सेक्स डिटरमिनेशन में, सेक्स डिटरमिनेशन की प्रक्रिया, लिंग निश्चय की प्रक्रिया के लिए जो जीन इन्वॉल्व है, जो रिस्पॉन्सिबल है जो जीन, तो वो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है, और उनका जो रेशियो है वो भी सेम है मेल फीमेल में। तो फिर ये मेल फीमेल का जो डेवलपमेंट है उसके लिए क्या मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है ना। तो देखा आपने कि भाई ऐसा जो है हैप्लोडिप्लोइड, जो है हैप्लोडिप्लोइड जो सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम जो है, इसमें ये देखने में हमको बहुत ही आसान लगती है, ठीक है, लेकिन इसमें जो जीनेटिक मैकेनिज्म है, जीनेटिक मैकेनिज्म जो है वो काफी मुश्किल होती है, डिफिकल्ट होती है। चलिए अब जो है हम बात करते हैं हनी बीज। ये हनी बीज जो है, हनी बीज को हिंदी में मधुमक्खियां कहते हैं और गुजराती में इसको मधुमाखी कहते हैं, है ना। तो ये जो मधुमक्खियां हैं, इनमें किस तरह से सेक्स डिटरमिनेशन होता है, जो मधुमाखी है इसमें किस तरह से लिंग निश्चय होता है, उसकी हम बात करते हैं। अब देखिए, इन हनी बी सेक्स इज डिटरमाइंड वेदर द एनिमल इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ठीक है। तो अब जो नर और मादा
का जो विकास की जो प्रक्रिया है वो किसके ऊपर आधारित है? तो जो एनिमल है ना, यानी जो मक्खी है वो हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है, उसके ऊपर सेक्स डिटरमाइन होता है। अब देखिए, डिप्लॉयड एम्ब्रियोज, डिप्लॉयड यानी जिस एम्ब्रियो में क्रोमोसोम के दो सेट है, ठीक है, एन एन है, तो डिप्लॉयड एम्ब्रियो जो है विच डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज एग, ठीक है, तो डिप्लॉयड एम्ब्रियो जो है वो फर्टिलाइज एग में से जो एम्ब्रियो है तो बिकम फीमेल। तो जिनके पास दो सेट है क्रोमोसोम के, उनमें से क्या, उनमें से फीमेल डेवलप होगी। और जो हैप्लोइड एम्ब्रियो है, यानी कि एक ही क्रोमोसोम का जो सेट है, तो विच डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग, अनफर्टिलाइज एग जो है उनमें आप देखें कि भाई एक ही क्रोमोसोम का सेट है, तो इसमें से क्या होता है, इनमें से जो है वो मेल डेवलप होता है ना, तो बिकम मेल्स, है ना। अब देखिए, वेदर और नॉट अ गिवन फीमेल विल मैच्योर इनटू रिप्रोडक्टिव फॉर्म। अब जो फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है जो डिप्लॉयड है, अब ये फीमेल जो है वो क्वीन बनेगी कि नहीं, जो फीमेल जो है डिप्लॉयड है, फीमेल है, लेकिन ये जो फीमेल है ये क्वीन बनेगी कि नहीं, इसका आधार किसके ऊपर है, डिपेंड ऑन हाउ सी वॉज नरिज एज लार्वा। तो लार्वल स्टेज में वो क्या खाते हैं, ठीक है, उसका जो पोषण है वो किससे हुआ है, नरिशमेंट जो है ना, तो वो फीमेल जो है अपने लार्वल स्टेज में क्या खाते हैं उसके ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि वो जो फीमेल है वो क्वीन में कन्वर्ट होगी कि नहीं। अब देखिए, इन दिस सिस्टम अ क्वीन कैन कंट्रोल द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल बाय रेगुलेटिंग प्रपोर्शन ऑफ अनफर्टिलाइज एग दैट सी लेज, ठीक है। तो जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है ना, जिसको हम जो जो मधपुड़ा जो बोलते हैं, ठीक है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, तो उसमें आपको पता है कि जो बी हाइव है ना, तो उसमें जो क्वीन जो है, क्वीन क्या करती है, क्वीन डिसाइड करती है कि भाई पॉपुलेशन जो है, ठीक है, उसमें कितने नर रहेंगे, कितनी मक्खियां नर रहेंगी, ये कौन डिसाइड करता है, क्योंकि क्वीन जितने अनफर्टिलाइज एक प्रोड्यूस करेगी उतने ही मेल में कन्वर्ट होने वाले हैं, है ना। तो क्वीन जो है, क्वीन क्या करती है, क्वीन कंट्रोल द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग द अनफर्टिलाइज एग। अब देखिए, अब बिकॉज दिस नंबर इज स्मॉल, तो ये वाला जो नंबर है वो तो स्मॉल है, कौन सा, हैप्लॉइड मेल जो वो प्रोड्यूस करती है उसका, तो मोस्ट ऑफ द प्रोजेनी आर फीमेल, तो ज्यादातर जो होती हैं, है ना, जो बी हाइव है उसमें आप देखोगे तो ज्यादा इनकी जो पॉपुलेशन है हनी बी की, उसमें ज्यादातर तो क्या होती है, फीमेल होती है। और अल्बेट जो है, अल्बेट का मतलब होता है ऑल दो या तो इवन दो। अल्बेट का मतलब क्या होता है, ऑल दो इवन दो, या तो स्टराइल होती है, ठीक है। तो देखिए, आप हैप्लॉइड मेल हो गए और जो फीमेल जो है वो कैसी है, तो आप देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रोजेनी आर फीमेल, अल्बर्ट इवन दो या तो ऑल दो स्टराइल एंड सर्व एज अ वर्कर फॉर दी हाइव। और ये जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उनमें ये जो है वो वर्कर के तौर पे काम करती है ना, ज्यादातर जो मक्खियां हैं वो। अब देखिए, इन अ हैप्लोडिप्लोइड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एग्स आर प्रोड्यूस थ्रू मियोसिस इन द क्वीन। तो देखिए, जो फीमेल जो है, जो क्वीन है, फीमेल क्वीन जो है वो क्या करती है, मियोसिस, देखिए मियोसिस से क्या एग प्रोड्यूस होते हैं, वो मियोसिस से, एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस थ्रू माइटोसिस इन द मेल। और माइटोसिस जो है, माइटोसिस स्पर्म आर प्रोड्यूस, तो जो नर है, नर क्या करते हैं, माइटोसिस करेंगे और माइटोसिस से स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो दिस सिस्टम एंश्योर दैट फर्टिलाइज एग विल हैव डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। तो ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम में क्या होता है, ये सिस्टम एंश्योर करता है कि भी जो फर्टिलाइज एग है इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डिप्लॉयड रहेगा,
एंड दैट अनफर्टिलाइज्ड एग विल हैव हैप्लॉइड नंबर. और जो अनफर्टिलाइज एग है उनमें तो क्या है कि भाई उनमें क्रोमोसोम का एक ही सेट रहेगा. अब ये जो है ये तो थियोरी का पार्ट है, ठीक है. अब इसी बात को हम फिगर से हम समझ लेते हैं, तो मैं इसके जो फिगर है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो आपको क्या है कि एकदम ये जो बात है ये क्लियर हो जाएगी. तो हम फिगर जो है उनको भी देख लेते हैं. चलिए, अब ये जो फिगर है ये फिगर आप देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे नीचे जो लिखा है, ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बीज, मधुमक्खियों में लिंग निश्चयन, फीमेल विच आर डिराइव फ्रॉम फर्टिलाइज एग आर डिप्लॉयड एंड मेल्स विच आर डिराइव फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग आर हैप्लॉयड. तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये आपको क्या बताई है, डिप्लॉयड आपको फीमेल बताई है. चलिए तो ये डिप्लॉयड फीमेल, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2N. और ये जो है ये क्या यहाँ पे आपको नर बताया है, हैप्लॉयड है वो, तो उसके पास क्रोमोसोम का एक ही सेट है. अब ये जो डिप्लॉयड फीमेल है वो क्या करेंगे, तो डिप्लॉयड फीमेल जो है वो मियोसिस करेंगे. मियोसिस में आपको पता है कि क्रोमोसोम के जो नंबर है वो आधे हो जाते हैं. तो अब देखिए अनफर्टिलाइज एग प्रोड्यूस कर रही है डिप्लॉयड फीमेल, तो उसमें से आप देखेंगे तो ये जो अनफर्टिलाइज एग जो है ये अनफर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट किस में होता है, तो अनफर्टिलाइज एग जो है उसी में से हैप्लॉयड मेल जो है वो प्रोड्यूस होता है. अब देखिए ये हैप्लॉयड मेल जो है इसका जो स्पर्म है, ठीक है, इसका जो स्पर्म है, तो क्योंकि स्पर्म जो है वो तो क्या ये जो नर है ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा. तो माइटोसिस की वजह से इसके स्पर्म में तो क्रोमोसोम का एक ही सेट है. ये वाली जो फीमेल है इसका जो एग है, तो आप समझिए इस बात को कि भाई ये वाला जो हैप्लॉयड जो मेल है इसका अगर मैं स्पर्म ड्रॉ करूं तो वो किस तरह से होगा, इसका जो स्पर्म है उसमें तो एन ही है, ठीक है, एक ही सेट है क्रोमोसोम का, क्योंकि क्या है माइटोसिस से स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है. और ये वाली जो फीमेल है इसका जो एग है उसमें एन. अब ये जो स्पर्म है ये स्पर्म क्या करेगा, इस एग को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है. तो जो जायगोट बनेगा, ठीक है, जो जायगोट बनेगा वो तो कैसा होगा, तो वो देखिए आप 2N, ठीक है. तो अब ये देखिए आप यहाँ पे जो आपको बताई है, तो ये फर्टिलाइज जब एग जो फर्टिलाइज हुआ तो उसमें से आप देखिए तो ये फर्टिलाइज एग जो है उसमें से क्या डिप्लॉयड फीमेल जो है वो किस तरह से डेवलप हुई, ठीक है. और ये जो जब डिप्लॉयड फीमेल है तो उसमें से मियोसिस हुआ और जो एग है उसमें क्रोमोसोम का एक ही सेट है, तो उसमें से फिर हैप्लॉयड मेल डेवलप होता है ना. अब ये देखिए ये एक अलग फिगर है ना, आगे का जो लेक्चर है सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड, तो ये जो फिगर है ये फिगर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो ZW सिस्टम है वो उसका भी आपको आइडिया आ जाएगा. चलिए अब ये जो फिगर है इस फिगर में आप देखिए यहाँ पे आप देखिए डिप्लॉयड फीमेल भी आपको बताई है, ठीक है, और इसमें मियोसिस हुआ तो यहाँ पे आप देखिए एग प्रोड्यूस हुए, ठीक है. और फर्टिलाइज ये एग का अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर उसमें से क्या हैप्लॉयड मेल बीज जो है वो डेवलप होती हैं. चलिए फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको डिप्लॉयड फीमेल भी बताइए, डिप्लॉयड फीमेल भी उसमें मियोसिस हुआ, ठीक है, तो अब एग प्रोड्यूस हुए, डिप्लॉयड फीमेल भी मियोसिस हुआ तो एग प्रोड्यूस हुए. तो चलिए और फिर यहाँ पे आपको क्या है ये देखिए आप हैप्लॉयड हैप्लॉयड मेल भी बताइए, नो मियोसिस, यानी यहाँ पे जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए ये माइटोसिस से हुए, माइटोसिस से स्पर्म प्रोड्यूस हुए, ठीक है, माइटोसिस से स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है. चलिए ये स्पर्म जो है वो आपको बता दिए. अब ये जो स्पर्म है वो क्या करेंगे,
एग जो है उनको फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो अब देखिए ये जो स्पर्म है इनको फर्टिलाइज करेंगे एग को, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आप देखिए डिप्लॉयड फीमेल जो है वो किस तरह से डेवलप हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जो है वो लिखा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। चलिए अब ये जो फिगर है इसमें आप देखिए यहाँ पे फीमेल क्वीन और डिप्लॉयड कंडीशन में नंबर कितने हैं, क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, 2n = 32 डिप्लॉयड कंडीशन। फिर यहाँ पे आप देखिए मियोसिस, तो मियोसिस होके एग प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए n = 16, यहाँ पे भी n = 16। ठीक है, अब ये जो एग है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर 16 है, पार्थेनोजिनेसिस होगा तो उसमें से क्या है हैप्लोइड मेल जो है वो डेवलप होता है। यहाँ पे आप देखिए मेल है ना, ब्रैकेट में लिखा है ड्रोन। ठीक है, तो उसके पास कितने क्रोमोसोम है, 16। माइटोसिस होगा, स्पर्म प्रोड्यूस हुए, तो स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर n = 16। अब ये जो स्पर्म है जिसमें 16 क्रोमोसोम है, एग जो है जिसमें 16 क्रोमोसोम है, तो स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया। ठीक है, तो जायगोट और फिर एम्ब्रियो। ठीक है, तो आप देखेंगे उसमें से फर्टिलाइजेशन होके डिप्लॉयड फीमेल डेवलप होगी n = 32। चले अब ये जो फिगर है इस फिगर में आप देखिए, तो ये जो है डिप्लॉयड क्वीन आपको बताइए, यहाँ पे आप देखिए बीच में जो है वो है हैप्लॉयड ड्रोन और यहाँ पे डिप्लॉयड लेइंग वर्कर है ना, तो ये वर्कर जो है वो फीमेल है। अगेन वर्कर जो है वो कैसा है, फीमेल है। अब डिप्लॉयड क्वीन जो है इसमें आप देखिए डिप्लॉयड क्वीन, तो इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, तो मियोसिस से जो एग प्रोड्यूस होंगे वो कैसे, तो हैप्लॉयड एग का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ये हैप्लॉयड एग जो है, तो जो लार्वा जो है लार्वल स्टेज में अगर वो रॉयल जेली खाएंगे तो उसमें से क्या, तो देखिए आप अभी देखिए आप यहाँ पे, और ये वाला जो है ये हैप्लॉयड ड्रोन जो है। ठीक है, तो हैप्लॉयड ड्रोन जो है इसमें टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 16 है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाने के लिए 3 ही क्रोमोसोम उन्होंने दिखाए हैं। तो अब उनके जो स्पर्म है वो देखिए माइटोसिस से प्रोड्यूस हुए हैप्लॉयड स्पर्म, और ये जो स्पर्म है वो किस तरह से फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये फिगर जो है मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें ये जो है देखिए हैप्लॉयड स्पर्म है ना, तो हैप्लॉयड स्पर्म जो है और हैप्लॉयड एग, तो डिप्लॉयड क्वीन जब रॉयल जेली खाते हैं तो है ना डेवलपमेंटल स्टेज जो है उनका, तो रॉयल जेली खाते हैं तो डिप्लॉयड क्वीन में डेवलप होगी, और हैप्लॉयड स्पर्म हैप्लॉयड एग। ठीक है, तो अब ये देखिए डिप्लॉयड वर्कर फीमेल है ना, तो अब देखिए नॉन फर्टिलाइज यहाँ पे फ्रॉम फर्टिलाइज एग, नीचे जो लिखा है फ्रॉम फर्टिलाइज एग। चलिए अब और देखिए ये जो है हैप्लॉयड एग जो है यहाँ पे आप देखेंगे, तो मैं जरा इस साइड आ जाता हूँ, ये हैप्लॉयड एग जो है इसमें से आप देखिए हैप्लॉयड ड्रोन। ठीक है, ये किस तरह से डायरेक्ट जो है हैप्लॉयड ड्रोन आपको बता दिया, और लास्ट में आप देखेंगे लास्ट में डिप्लॉयड लास्ट वाला जो है डिप्लॉयड लेइंग वर्कर फीमेल है, फीमेल में मियोसिस हुआ रिडक्शन डिवीजन, और हैप्लॉयड एग जो है वो प्रोड्यूस हुए, हैप्लॉयड एग प्रोड्यूस हुए, तो इनमें से जो डेवलप हो रहा है ये जो हैप्लॉयड एग है इनमें से क्या डेवलप हो रहा है, तो आप देखिए हैप्लॉयड जो ड्रोन है वो बनते हैं है ना। तो यहाँ पे जो नीचे जो लिखा है वो देखिए अब हैप्लॉयड ड्रोन हैप्लॉयड ड्रोन है ना फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है डिप्लॉयड क्वीन डिप्लॉयड वर्कर, तो वो किससे, तो
तो वो फ्रॉम फर्टिलाइज एग से, है ना। तो ये किस तरह से पूरा जो हनी बी है इसमें किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना, वो हमने अभी इस बात को हमने समझ लिया है, ठीक है। चलिए अब जो है मेरा कांटेक्ट डिटेल वगैरह जो है और वो भी मैं आपको दे देता हूँ, और पार्ट टू का जो लेक्चर है उसमें तो मैंने क्या इंक्लूड किया है, किस तरह से मैं पार्ट टू का जो लेक्चर दे रहा हूँ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बता दिया। पार्ट वन पार्ट टू जो लेक्चर है जब मैं ले लेता हूँ और जो मेरा जो ऐप है उस पे जब अपलोड हो जाते हैं पार्ट वन पार्ट टू, तभी मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो अब मेरा जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। चलिए तो अब जो मेरा जो कांटेक्ट डिटेल है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है उसका नाम है मनीष जी कोष्टी। अच्छा, जो भी ऐप के मेंबर्स रहते हैं उन सभी को जो बुक्स जो लेक्चर लेने के लिए, लेक्चर डिलीवर करने के लिए जो रेफरेंस बुक मैं इस्तेमाल करता हूँ उनकी भी मैं इंफॉर्मेशन मेंबर्स को मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि मेंबर्स जो हैं वो जाके बुक को बाय कर सकें, परचेज कर सकें, या तो जो ऑफलाइन ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है उनमें ये बुक्स जो हैं उनको फाइंड आउट कर सकें। बुक का रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। और अगर मुझसे आप बात करना चाहें तो 3 से 4 के बीच का जो समय है उस बीच में आप मुझे फोन कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। ये जो है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये जो है यहाँ पे, ये जो है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये वाला, और यही मेरा फोन नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है। और ये जो है ये मेरा ईमेल एड्रेस था। तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है अब यहाँ पे समाप्त होता है। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।